यार ये टूट ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज हम जा रहे हैं श्रीनगर बड़गाम। तो थका भी बहुत हूँ यार, अभी भी तो नींद आ रही है बहुत, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार इतना काम पड़ रहा है ना मुझे। कारण यही कि यार थोड़ा बिजी हो गया हूँ मैं दूसरे कामों में, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहे। तो कल मैं गया था परसों शाम को बारामूला, और कल सुबह आया था मैं, और आज मैं जा रहा हूँ श्रीनगर। थका भी बहुत हूँ यार, मूड तो नहीं है जाने का, एस्प्रेसो लेनी है, फिर से वापस भी आना है श्रीनगर, जाके वापस भी आना है। और भैया भी है और अंकल भी जा रहे हैं साथ में। भैया के जो मकान की ईट है ना वो लानी है हमें, ईटें हमें। तो फिलहाल हम करते हैं अभी आज का सफ़र शुरू। देर तो बहुत हो चुकी है, हमें तो सवेरे निकलना था, मैं थक गया था बहुत यार, अभी उठा मैं 7 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो व्यूअर्स हम पहुंच गए पट्टन। तो अभी 88 किलोमीटर हमने तय किया, अभी हमें जाना है, बहुत दूर जाना है। पहले यहाँ पर चाय पी लें क्योंकि कंटिन्यू ड्राइव किया हमने। तो व्यूअर्स चलें, बाकी लोग अभी अंदर हैं चाय पी रहे। ओए ओए, मेरे को तो बहुत नींद आ रही है यार, क्या करें, थका हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह तो पहुंच गए हम, वैसे तो बहुत टाइम लग गया यार, बहुत दूर है। तो रास्ते में 2-3 जगह रुकावट भी आई, हमें पता ही नहीं था रास्ता, तो पूछना पड़ता था यार कहां पर जाना है। देख सकते हो यहां पर आए हम, यहां पर ये ईंटें बनती हैं बड़गाम में। 9:40 पे हम थे पटन, तो इस वक्त 11 बज गए, बहुत टाइम लग गया हमें। तो वैसे दूर उतना नहीं था, हमें रास्ते का पता नहीं था, तो जगह जगह पूछना पड़ा हमें कहाँ जाना है क्या है। तो फिर उस गाड़ी को रखते हैं यहीं पर, तो चलते हैं आगे। यहाँ पर भैया और अंकल गए, एक गाड़ी लोड हो रही है यहाँ पर, देख सकते हो। और यहाँ पर वैसे तो ये बात कर रहे हैं अभी है, यहाँ पर देखते हैं इनको बात जुड़ेगी इनकी इनसे। तो अभी ये बात कर रहे हैं, मैं आ गया गाड़ी में वापस। A few moments later. तो व्यूअर्स अभी आ गए हम दूसरी जगह पे। अभी बज गए दोपहर के 2, खाना खाया यहीं पे इन्होंने दिया खाना, मगर लेकिन मिर्ची बहुत थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। देखो यहाँ पर यार ये प्लेन वाले गांव होते हैं, देखो यहाँ पर दूर दूर तक कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर इस साइड में एक है छोटा सा है, उतना वो किसी मुजरे में नहीं है, और हमारे वहाँ देखे वो इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े, हम खुद पहाड़ पर रहते हैं। तो टिप्पर हो रहे हैं लोड, यहाँ पर ये लोड कर रहे हैं तब तक, और उस साइड से ऊपर वाले साइड जाऊँगा मैं, वहाँ से देखूँगा कहीं से रास्ता ढूँढता हूँ मैं ऊपर चढ़ने का। अभी तो अभी शुरू किया है इन्होंने, पता कितना टाइम लगेगा इनको। यार ये टूट ही जाती है ये। व्यूअर्स गाड़ियाँ हो गई हमारी लोड, मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी के पास।
तो एक गाड़ी निकल गई, अब दूसरी वाली यहाँ पर है, हम भी जाएंगे साथ साथ। और टाइम भी हो गया, कितना है, 5:30। क्या पता यार कहाँ पे रास्ते पे दर पदर होंगे, क्योंकि आगे पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हमें ना रात होने वाली है बारामूला में, तो पता है कितने बजे पहुँचेंगे हम घर, तो कोई कंफर्म नहीं। यहाँ पर रुकें, एक टिप्पर ख़राब हो गया, वो पीछे लगभग 10-12 किलोमीटर वो पीछे है, तो भैया भी साथ में है, तो वो कहीं ख़राब हो गया है यार, वो उसका वेट कर रहे हैं। 1 घंटे से हम वेट कर रहे हैं उड़ी में, तो यार बहुत नींद भी आई है, थक भी गए बहुत, तो मैंने सीट पीछे कर दी, तो कोशिश करता हूँ सो जाऊँ यार, पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। 3 hours later। तो भी बस इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं, तो मैं पहुँचा अभी घर, तो खाना वाना खाया। आज तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है, तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।